शेख हसीना भाग गई है आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ दिया और लोगों का कहना है कि अगरतला में उसका चौपर लैंड कर चुका है यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों भूलना नहीं है ये वही बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ अमेरिका भी नाखुश था लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है दोस्तों में गौरवारी और आप तो क्या जिस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है कुछ समय पहले जब तक आप ये वीडियो देखेंगे आपको आगे की भी खबर मिल चुकी होगी मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकिन वहां पे रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण को लेकर बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी लगभग सौ लोग मोटा मोटी बता रहा हूं लगभग सौ लोग मारे गए और फिर लोगों ने चढ़ाई कर दी शेख हसीना के घर पे जो ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का घर था उसके ऊपर चढ़ाई कर दी और दोस्तों ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसके घर में जा रहे हैं उसका फर्नीचर चोरी कर रहे हैं आखिर बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था एक टाइम पे आपको याद होगा नौ मई को पाकिस्तानियों ने क्या करा था जब घुस गए थे कोर कमांडर लाहौर के घर में उसके घर से भी उन्होंने कोरमा चुराया था मोर चुराई थी स्ट्रॉबेरी चुराई थे सब्जी दाल चावल सब कुछ चुरा लिया था वैसे ही बांग्लादेशियों ने शेख हसीना के घर में घुस के उसका फर्नीचर चुरा लिया पता नहीं क्या क्या और चुरा लिया वहां पर सेम टू सेम और यहां पर आप फोटोग्राफ देखिए कि बंगा बंधु जिसको लोग कहते हैं बंगा बंधु शेख मुजीबुर रहमान उसकी मूर्ति के ऊपर एक बंदा चढ़ा हुआ है और हथौड़े से उसकी मूर्ति तोड़ रहा है यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था दोस्तों भूलना नहीं है यह वही बंगा बंधु है जिसने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया था और एक जमाने में दोस्तों पाकिस्तानी फौज ने इसके परिवार की हत्या की साजिश करी थी और भारतीय सेना थी जो इनके पूरे परिवार को सेफली वहां से निकाल के इंडिया लेकर आई अच्छा दोस्तों ये तो होगी बैकग्राउंड स्टोरी अब हुआ क्या है वहां पे हुआ ये है कि लोग चले गए प्रधानमंत्री निवास के अंदर ये चुपचाप भागी कार से एक एयरफील्ड में गई चौपर पकड़ा मिलिट्री का चौपर और मिलिट्री का चौपर टक 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 करके वो इंडिया में लैंड कर गया वहां पर वकारु जमान वकारु जमान कौन है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द बांग्लादेश आर्मी उसने पूरे देश से खिताब करा देश को एड्रेस करा और देश को यह बोला कि बॉस बहुत हो गया इट्स टू मच आर टेकिंग ओवर वी टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सारी पॉलिटिकल पार्टी से बात कर ली है लेकिन यह फौज का तख्ता पलट करना क्या यह पहली बार हो रहा है बांग्लादेश में नहीं दोस्तों आपको पता है उन्नीस में बांग्लादेश बना था और जिसने बांग्लादेश बनाया शेख मुजीबुर रहमान इस फौज ने उसी मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी थी तो ये जो इसकी फौज की कारकरदगी है दिस इज नॉट न्यू दिस इज नॉट समथिंग दैट इज न्यू मैं आपको अब आप पढ़ के बताता हूं और आपको इंटरेस्ट होगा तब आपको समझ में आएगा यह सब हो क्यों रहा है बांग्लादेश में ये देखो सब अब मैं पढ़ के ही बता देता हूं आपको सामने लिखा हुआ है अगस्त 15 2000 अगस्त uh, 15 माफ करना 1975 को पिचहत्तर फर्स्ट मेजर कू व्हेन शेख मुजीबुर रहमान वाज असोसिनेटेड दोस्तों इस पूरे कांड में छह बांग्लादेश के अफसर मुलविस थे और इनमें से शामिल मेजर सैयद फारूक रहमान मेजर खांडकर अब्दुल रशीद इन दोनों ने मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की हत्या करी उसके परिवार को भी मार दिया शेख रेहाना और शेख हसीना ये दोनों बहनें बाहर थी शेख हसीना आप जानते हैं जो अभी भागी है ये भी बाहर थी और शेख रिहाना इसकी बहन ये भी बाहर थी इसलिए वो बच गए पूरे खानदान को इन्होंने नस्ते नाबूद कर दिया और खांडेकर मुश्ताक अहमद राष्ट्रपति बन गया बांग्लादेश का एक और कांड उन्नीस में शेख जियाउर रहमान अपॉइंटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और सेप्टेंबर में इंडेमिटी ऑर्डिनेंस प्रोवाइडेड लीगल कवर उन्होंने यह भी कांड कर दिया फिर दोस्तों नवंबर तीन उन्नीस में ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ एक और आया ये सारा का सारा पिचत्तर के कांड है ये ये सारा का सारा पिचहत्तर का कांड है अगस्त में शुरू हुआ नवंबर तक चलता चला आ रहा है तीन नवंबर उन्नीस को ब्रिगेडियर जनरल खालिद मुशर्रफ ने फिर से कू करी और जिन्होंने कू करी थी उन पर डबल कू कर दी यानी कि जिन्होंने विद्रोह करा था विद्रोहियों का भी बाप निकला इन्होंने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया लीडिंग टू द डेथ ऑफ फोर लीडर्स एंड जिया रेहमान हाउस अरेस्ट उस बंदे का कर दिया हाउस अरेस्ट और सात नवंबर को अनदर कू अच्छा यहां पे हफ्ते हफ्ते का जैसे एक जमाने में चित्रा रहता था, था दोस्तों वैसे बांग्लादेश में कूज होते थे सात नवंबर को अनदर कू बाय लेफ्ट विंग फोर्सेस फ्रीड और रहमान पेविंग वे टू द प्रेसिडेंसी तो आप समझ लो तीन नवंबर को ये जेल गया सात नवंबर को राष्ट्रपति बन गया उसी साल में ठीक है जी अच्छा बाकी उन्नीस लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद ने फिर एक पावर सीज कर लिया फिर एक कू हो गया फिर 2007 में लेफ्टिनेंट जनरल मोइन अहमद ने फिर एक कू करा फिर उसने तख्ता पलट कर दिया अच्छा यहां पे दोस्तों बात यह है कि चीन का एक बहुत बड़ा हाथ है इस पूरे मैटर में और चीन का क्या हाथ है सबसे पहले तो शेख हसीना गई हमने कवर करा था टीसीडी हिंदी में शेख हसीना गई और शेख हसीना ने चाइना में जाके जो भी अपना काम करा वहां पे उनको सिग्नल गड़बड़ दिखाई दिए देखा कि वो प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा उनको उन्होंने देखा वो इज्जत नहीं मिल रही और जो पैसा देने की बात करी थी चीन ने चीन ने अपने हाथ भी पीछे कर लिए चीन ने अपने हाथ पीछे कर लिया और चीन ने अपने हाथ पीछे करने के बाद चाइना ने कुछ कुछ पांच अरब की बात हुई थी कुछ सौ मिलियन में रफा दफा करने की कोशिश करी और उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला उनको बुरा लगा वो वापस आ गई वहां पे साथ ही साथ सारा गेम चल रहा है कि तीस्ता रिवर का प्रोजेक्ट दे दिया जाता है भारत को और वो खुले कहती हैं शेख हसीना कि चीन को ये नहीं देना है इसके अलावा दोस्तों मोंगला पोर्ट का प्रोजेक्ट भी चाइना को जाना था चाइना को नहीं गया आप समझ लीजिए बीच में अडानी दस हजार मेगावॉट बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करता है चाइना चाह रहा था कि सारा काम वो करे लेकिन चाइना इन सारी रेस में पीछे था वहां पे अमेरिका का भी एक फैक्टर है दोस्तों एक छोटा मोटा फैक्टर अमेरिका का भी है, अमेरिका भी नाखुश था और आज भी है शेख हसीना के साथ अमरीका भी नाखुश था लेकिन इसमें मोटा काम चीन का है मैं आपको बताता हूं कैसे ये शेख हसीना के कुछ लॉयल मिलिट्री ऑफिसर्स लगातार शिकायत कर रहे थे चाइना से कि भाईजान जो हमने आपसे हवाई जहाज खरीदे हैं जो हमने आपसे शिप्स खरीदे हैं जो हमने आपसे वेपन खरीदे हैं आर्टिलरी खरीदी है राइफल्स खरीदी हैं वो सब कबाड़ा है दैट्स ऑल ब्लडी जंक दे डोंट फायर आपका हथियार चलता ही नहीं है वो हथियार किस काम का और जब उन्होंने बोला कि आप इसको ठीक करके दीजिए चीन ने बोला और पैसा चाहिए हमें और पैसा लाओ तब हम देंगे तो यह तनाव और तकरार की स्थिति बनती 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 चली 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 गई 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 जो रिजर्वेशन की बात थी दोस्तों पीछे की कहानी ये है कि रिजर्वेशन की बात थी मुख्य तौर पर रिजर्वेशन किसको दिया था यह मुख्य तौर पर रिजर्वेशन जो मुक्तिबाइनी थे जो शेख मुजीबुर रहमान के साथ थे जिन लोगों ने बांग्लादेश के लिए हथियार उठाए और अपनी गर्दनों को अपने माथे को संगीन के ऊपर रखा तलवारें अपनी गर्दन पर रखी और देश के नाम पर मिटे उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने की बात थी बांग्लादेश में कि भाई उनके बच्चों के लिए कुछ बढ़िया करा जाए यहां पर स्टूडेंट जो थे वो दुखी हो गए रिजर्वेशन आज से ये रिजर्वेशन आज से है जो आज दुखी हो रहे हैं ओ भाई ये बहुत पहले की बात है और पहले भी इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुए थे लेकिन छुटपुट 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 लाठी चार्ज हुआ है दो चार टीयर गैस के शेल्स फायर हुए हवाई फायरिंग करी सब वापस ये इतना बड़ा हो कैसे गया मामला ये इतना बड़ा मामला कैसे हुआ कि पूरा हुजूम का हुजूम घुस गया प्रधानमंत्री निवास के अंदर और वहां से सब कुछ चीजें चोरी कर दी यहां पे गाड़ी में ये भागती हैं हेलीपैड में जाती हैं मिलिट्री का हेलीकॉप्टर लेके इंडिया भाई साहब इतना आसान है ये इतना आसान है आपको लग रहा है ये बिल्कुल कोई मलपुआ जो खा गया नहीं ये बाहर से मैन्युफैक्चर करा गया ये जो पूरा प्रोटेस्ट है दोस्तों ये ऑर्गेनिक नहीं है

यह फरमाइश करता है कि साहब पूरे पाकिस्तान में उर्दू बोली जाएगी जब उसके सामने उसकी हुई थी जिन्ना की वो भी बांग्लादेश के स्टूडेंट्स करी थी दोस्तों जब वन यूनिट प्लान खान ने बोला कि नहीं वन यूनिट प्लान होगा और पूरा सब लोग उर्दू बोलेंगे और उसके बाद जो बांग्लादेश में जितना भी कांड हुआ इंक्लूडिंग दैट इलेक्शन जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को एबसोलूट मेजोरिटी मिली थी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने मना कर दिया था कि नहीं जाओ आपको नहीं बनाते हम प्रधानमंत्री पाकिस्तान का उसके बाद जो फसाद हुए थे वो भी स्टूडेंट्स ने करे थे तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है दोस्तों ये 1947 से जब वो ईस्ट पाकिस्तान था तब से ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स चलती चली आ रही है लगातार दर लगातार दर आगे आगे चल चल के के क्या क्या होगा होगा नोज हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा, दोस्तों लेकिन इतनी बात तय है कि शेख हसीना शीज नाउ इन सेवेंटीज उनका मैटर खत्म हो गया लेकिन एक और चैप्टर में आपको बताता चलू ये वीडियो खत्म करने से पहले दोस्तों तब भी ताकतें थी जो शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ खड़ी थी वो ताकतें थी जमातुल इस्लामी की वो जमात की ताकतें थीं जो पाकिस्तान की लॉयल थीं जो रेडिकल इस्लामिस्ट थी जो, इस्लामिस जो मौदूदी का जो नजरिया था उसको मानती थी वो ताकतें आज भी बांग्लादेश में हैं वो वही ताकतें हैं जमातें इस्लामी से मोटिवेटेड जो ब्लॉगर्स की गर्दनें काटती हैं जो वायलेंस करती हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ दीज आर द सेम पीपल एंड द सेम पीपल अर नाउ स्लोली एंड स्लोली क्लोइंग दर वे बैक टू पारे दोबारा गद्दी पे बैठने वाले हैं आज का वीडियो इतना ही मैंने सोचा कि जल्दी से आपको एक खबर दे दूं क्योंकि यह खबर हर घंटे बदलेगी दोस्तों आप भी टेलीविजन देखते रहिएगा और अगर मोटी खबर आती है तो कल फिर हम इसी टॉपिक को उठाएंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेलाइकन दबाना बिल्कुल भूलिएगा जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय